तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन को मिल जाता है एक बहुत ही तगड़ा आइडिया तुम लोगों की वजह से, एंड वो आइडिया ये होता है कि फ्रैंकलिन एक पपेट जो कि बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह दिखता है, उस पपेट को कर्स किलर कार के सामने रखेगा एंड कर्स किलर कार उसे फ्रैंकलिन समझ के कुचल डालेगी। एंड फ्रैंकलिन ऐसा ही करता है, वो जाता है लेस्टर के पास एंड लेस्टर के दोस्त की हेल्प की वजह से जल्दी से जल्दी 5 करोड़ में एक पपेट रेडी करवाता है। इस पपेट की खासियत ये होती है कि इस पपेट के अंदर ब्लड भी भरा होता है एंड ये पपेट कुछ फेक एनिमेशन भी कर सकती है जिसकी वजह से ये पपेट बिल्कुल असली लगे। एंड फ्रैंकलिन उस पपेट को बनवा के रख के आ जाता है अपने घर के आगे एंड सीसीटीवी के अंदर ये लोग देखने लग जाते हैं कि कर्स किलर कार क्या करती है। एंड जब ये सीसीटीवी के अंदर देखते हैं तब ये लोग देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि कर्स किलर कार उस पपेट को असली फ्रैंकलिन समझ के कुचलने लग जाती है एंड काफी देर तक कुचलती रहती है जब तक वो पपेट काम करना बंद नहीं कर देता। एंड कर्स किलर कार को इस तरीके से लगता है कि फ्रैंकलिन मारा जा चुका है। यहां दूसरी तरफ अब फ्रैंकलिन सोचेगा किस तरीके से कर्स किलर कार को हमेशा के लिए खत्म करना है। क्या फ्रैंकलिन राज पता कर पाएगा कर्स किलर कार के बारे में, देखते हैं इस वाली वीडियो में। देखो भाई लास्ट टाइम यार कर्स किलर कार को हम लोगों ने यकीन तो दिला ही दिया है कि भाई फ्रैंकलिन मारा जा चुका है एंड कर्स किलर कार अब शांत बैठ जाने वाली है। बट हमें बिल्कुल भी शांत नहीं बैठना है यार, हमें अभी भी ये पता लगाना है कि आखिरकार ये कर्स किलर कार आई कहां से, ऐसा क्या सीन है भाई, उसके अंदर कुछ आत्मा वात्मा घुसी हुई है, क्या है वो, आखिरकार क्यों है वो, मतलब ना कोई ड्राइवर है ना कोई मतलब उसके अंदर बंदा बैठा हुआ है, पता नहीं किस तरीके से वो कर्स किलर कार हमेशा जब देखो तो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। लास्ट टाइम भी जब पपेट रख के आए थे उसके कुछ देर बाद ही वो आ गई भाई गाड़ी अटैक करने के लिए, तो कुछ तो सीन है। अब यही सीन पता करना है कि आखिरकार उस गाड़ी के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो बिना ड्राइवर के भी चल रही है। एंड यही बात मैंने लेस्टर से बोली भाई कि कोई गाड़ियों का मस्त जानकार वगैरह है क्या, एंड लेस्टर ने मुझे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया भाई एक्चुअली में वो साइंटिस्ट है और थोड़ा बहुत गाड़ियों के बारे में भी जानता है, एक्चुअली में थोड़ा बहुत नहीं वो थोड़ा बहुत साइंटिस्ट है और बहुत ज्यादा गाड़ियों के बारे में जानता है। एंड वो रहता है एक छोटे से आइलैंड पर, लॉस सैंटोस के बगल में ही है वो छोटा सा आइलैंड, उस पर झोपड़ी बना के रहता है, नहीं क्या ही साइंटिस्ट है, लॉस सैंटोस से बिल्कुल अलग रहता है। लेस्टर को भी एक्चुअली मैं कुछ ही दिनों पहले ही पता चला है उस साइंटिस्ट के बारे में, तो लेस्टर ने कहा है कि तुम जाओ उसके पास, डेफिनेटली वो बता देगा उस कर्स किलर कार के बारे में सब कुछ। तो फिलहाल मैं शिनचैन पिनचैन और चॉप हम चारों ही जाने वाले हैं। भाई रेडी हो तुम लोग? अरे बिल्कुल रेडी है यार, चलो फटाफट। भाई कलुआ चलो भाई, चल 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 भाई कलुआ चल यार, उस कर्स्ड किलर कार के बारे में पता करना फटाफट। वही तो भाई, तो निकलते हैं फटाफट। वो रही अपनी गाड़ी, लेस्टर की ऑडी क्या मस्त चमक रही है, खैर छोड़ो इसकी ऑडी को, आ जाओ शिनचैन पिनचैन और चॉप फटाफट से आओ गाड़ी में, हम लोग निकलते हैं उस आइलैंड की तरफ जहाँ पर रहता है वो साइंटिस्ट का मैकेनिक। तो चले भाई। अरे रुक जाओ यार, मैं रह गया। मैं पिनचैन भाई कहाँ रह गया था, तू जल्दी बैठ भाई। अरे वो बाथरूम कर रहा था मैं, इनको पूरे दिन बाथरूम ही आती रहती है, छोड़ो। चलो बैठ गया तू, अब अभी चलते हैं फटाफट से उस आइलैंड की तरफ। वैसे क्या लगता है यार, कोई बंदा बता सकता है सीरियसली मैं उस कर्स्ड किलर कार के राज खोल सकता है कोई? मुझे तो लगता किसी को भी लॉस सैंटोस के अंदर उसके बारे में कुछ पता होगा। तो चलो भाई उस आइलैंड की तरफ हम लोग पहुंचने वाले हैं, थोड़ी ही दूर है वो आइलैंड। एंड उस साइंटिस्ट कम मैकेनिक को भाई सब कुछ शुरू से बताना पड़ेगा हमें कि कैसे हम लोग कर्स्ड किलर कार तक पहुंचे, कैसे कर्स्ड किलर कार हमारी जिंदगी में आई एंड कैसे हमारी जिंदगी बर्बाद हुई इस कर्स्ड किलर कार के आने की वजह से। चलो फिर जल्दी से चलते हैं। ओके यहाँ से राइट। अबे यार एक तो लॉस सैंटोस के लोगों को ड्राइविंग नहीं आती है भाई, अबे थोड़ी तेज गाड़ी चला लो यार, इतना मस्त खाली खाली हाईवे है बिना ट्रैफिक, अरे फुल स्पीड में गाड़ियां भगाओ। नहीं भाई बिल्कुल स्लो चलाते रहना है। अरे बस वाले भाई थोड़ी तेज भगा ले, अरे वैन भाई थोड़ी तेज भगा ले। नहीं भाई सबको बिल्कुल बताओ कितनी की रफ्तार में चलाते हैं लोग, 80 की रफ्तार से ऊपर नहीं जाती इनकी गाड़ी, एंड मैं यहाँ पे 250 की रफ्तार में भगा रहा हूँ, कोई बात होती है ये? अरे यार कितनी दूर है अभी वो आइलैंड? बस पहुंचने ही वाले हैं। भाई यार कब से बोल रहा है तू पहुंचने वाले अब, अभी तक तो पहुंचे नहीं। अरे हाँ यार फ्रेंड भैया, साफ साफ बताओ ना। साफ साफ बताओ, अभी कम से कम 5 मिनट और लगेंगे। अरे तो यही पहले बता देते, पहुंचने वाले कर रहे हो कब से? अरे ले भाई 5 मिनट लगेंगे, खुश अब तो बता दी, अब चुप हो जाओ। लेट्स गो गाइस फटाफट, एंड आगे से हमें लेफ्ट लेना है एंड लेफ्ट से फिर हमें एक कच्चा रास्ता लेना है एंड उस कच्चे रास्ते को फॉलो करते हुए जाना है उस आइलैंड की तरफ, सिंपली इधर एंड यहाँ से सीधे। भाई ये लॉस सैंटोस में जितने भी बंदे अजीबोगरीब से काम करते हैं वो ज़्यादातर आइलैंड्स पे ही जाके बस जाते हैं, उनको वहीं पर शांति मिलती है बिल्कुल एकदम शहर की भीड़ भाड़ से दूर, शहर की गाड़ियों वाड़ियों से दूर, बताओ वो बंदा उस आइलैंड पे रहता है, कोई बात है ये?
और वो भी साइंटिस्ट है, मैकेनिक है, पता नहीं क्या क्या है वो बंदा, और इतना मतलब टैलेंटेड बंदा है और इतनी दूर रह रहा है, बताओ यार। खैर अब मैं बोट का जुगाड़ कहाँ से करूँ, रुको भाई मैं उधर से बोट का जुगाड़ करके आता हूँ, तुम लोग यहीं रुकना। मिल जाएगी बोट उधर? हाँ दो तीन बंदे दिखे तो थे बोट लेके आए ही होंगे वो। आ जाओ भाई आ जाओ, गाँव वालों आ जाओ, बोट मिल गई है। अरे इधर तो लेकर आओ। अबे आ रहा हूँ भाई, लेके आ रहा हूँ। पिंचन आके बैठ गया, तुम लोग डायरेक्टली आके नहीं बैठ सकते बोट में? आ जाओ अब यहाँ पे, अब वहाँ तक तो नहीं लाऊंगा मैं, आओ फटाफट। अरे चलो यार बैठ गए हम लोग। ओके ओके, आराम से बोट घुमाई एंड बोट को घुमा के फटाफट से चलते गए वो सामने वाले आइलैंड की तरफ जिसपे एक छोटी सी झोपड़ी है एंड वहीं पर है वो साइंटिस्ट मैकेनिक वाला बंदा। चलो भाई। ओके नाइस, आराम से हियर वी गो। अरे यार बोट कैसे ऊपर लेके जाऊं? अरे बोट तो बार बार फिसल के नीचे ही आ रही है। अरे यहाँ पर भी बोट लगी हुई है, पता नहीं कौन आया होगा। बोट को मैं डायरेक्टली अब ऊपर ही लेके जाऊंगा, आइलैंड के ऊपर ही। या कम ऑन, आ गए। ओ नहीं नहीं, दूसरी तरफ जंप नहीं। ओके देखा भाई, इस तरीके से चलाई जाती है बोट। आती है तुम लोगों में से किसी को बोट चलानी इतनी बेहतरीन तरीके से? आ जाओ भाई आ जाओ, फटाफट से आ जाओ उधर झोपड़ी की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। कुछ बंदे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मे बी टूरिस्ट वगैरह हो सकते हैं। अबे यार ये टूरिस्ट भाई कोई सी जगह नहीं छोड़ते हैं, ये देखो बताओ इतनी सी जगह। अबे निकलो निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो यहाँ से फटाफट से, निकलो निकलो यहाँ से। तुम लोगों में से कोई वो साइंटिस्ट तो नहीं है? नहीं, इनमें से कोई सा भी नहीं लग रहा साइंटिस्ट। चलो निकलो यहाँ से फटाफट फटाफट, जगह खाली करना भाई, चल निकल यहाँ से। समझ में नहीं आ रही बात भाई किसी के भी। चलो भाई भाग गई है बंदे फिलहाल। ओ एक बंदा है तो अंदर। हेलो सर, आप ही वो साइंटिस्ट का मैकेनिक? अरे सर सोते ही रहोगे, हम आपसे ही मिलने के लिए आए हैं। हेलो उठो सर। अरे क्या यार, क्यों नहीं सोने दे रहे मुझे? सर जरा बाहर आओ, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ पे रहता हूँ? सर प्लीज जरा बाहर आओ, आपसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड सीक्रेट बात करनी है। मैं किसी से बात नहीं करता, जाओ यहाँ से। अरे सर प्लीज आ जाओ सर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम है सर, प्लीज। अरे यार सर प्लीज प्लीज, चलो ना सर बाहर। चलो ठीक है, बताओ क्या है? सर हम लोग एक्चुअली में बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। लगता तो नहीं है तुम्हारी शक्ल देख के मुसीबत में फंसे हो। अरे शक्ल पे थोड़ी ना लिखा होता है किसी की कि कोई मुसीबत में फंसा है या फिर नहीं। आप मेरी पहले बुरी बात तो सुनो। अच्छा बताओ। सर एक कर्स किलर कार हमारे पीछे पड़ी हुई है। कर्स किलर कार, थोड़ा डिटेल में बताओ। सर मैं एक्चुअली में एक दिन ऐसे ही जस्ट पहाड़ों की तरफ भटक रहा था एंड मेरी नज़र गई एक गाड़ी पे, ठीक है। गाड़ी ऐसी झाड़ में पड़ी हुई थी तो मैं उस गाड़ी को लेके आ गया एंड मेरे को लगा कोई ऐसी नॉर्मल सी सिंपल सी गाड़ी है, बट वो गाड़ी धीरे धीरे करके सर अजीबो गरीब सा बिहेव करने लग गई एंड शिनचैन पिनचैन और चॉप पर अटैक करने लग गई, फिर मेरे ऊपर अटैक करने लग गई एंड उस गाड़ी ने सर जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। जिधर हम लोग जाते थे उधर वो गाड़ी आ जाती थी। तो उस गाड़ी को ब्लास्ट कर देते? सर कितनी बार किया उस गाड़ी को, कितनी बार डिस्ट्रॉय किया हम लोगों ने। कभी पानी के अंदर फेंक किया है, कभी जमीन के अंदर गाड़ दिया, कहीं पहाड़ के अंदर छुपा दिया, कभी गुफा के अंदर छुपा दिया, यहाँ तक कि मैं तो उसे नॉर्थ एंगटन भी छोड़ के आ गया था, बट स्टिल वो गाड़ी अपने आप पूरी तरीके से रिपेयर होके आ जाती है। तो उसके पुर्जे अलग अलग कर देते? सर पुर्जे भी अलग करके देख लिए, उसके टायर अलग, इंजन अलग, बॉडी अलग, सब कुछ डिसअसेंबल करके देख लिया, बट फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा एंड हर बार वो गाड़ी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। ये तो काफी अजीबो गरीब केस लग रहा है। वही तो सर, इसलिए तो आपके पास आए हैं। वो आपके बारे में ये पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज रखते हो गाड़ियों के बारे में एंड गाड़ी के हर प्रॉब्लम के बारे में आपको पता है, तो हम लोग वही पता करने के लिए आए हैं कि आप कुछ बता सकते हो क्या सीन हुआ होगा उस गाड़ी के संग। ऐसे तो देखो बता पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर वो गाड़ी तुम यहाँ पर लेकर आ जाते हो फिर मैं बता सकता हूँ। अरे लेकिन वो गाड़ी मैं यहाँ पर एक सेकेंड डिस्ट्रॉय करके लेके आ सकता हूँ मैं। हाँ तो कोई बात नहीं, तुमने बताया वो गाड़ी अपने आप रिपेयर हो जाती है? हाँ सर वो रिपेयर हो जाती है। तो डिस्ट्रॉय करके लेके आ जाओ, जब वो डिस्ट्रॉयड रहेगी हम लोग उसे रस्सियों से बांध देंगे एंड फिर वो अपने आप ही रिपेयर हो जाएगी, तब मैं उसके अंदर झांक के उसके अंदर देख के तुम्हें बता सकता हूँ कि आखिरकार उस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या है एंड कैसे उस गाड़ी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। सच में सर? सर आप बता दोगे सीरियसली? अरे बिल्कुल। अरे वाह भाई, तो उस गाड़ी को लेके आना पड़ेगा। अरे यार लेकिन मैं जाऊंगा फिर तो हमारे लास्ट एपिसोड में जो हम लोगों ने मेहनत की थी वो पुतला उतला बनाने की, वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अरे एक काम करो ना, तुम अपना हुलिया बदल के चले जाओ, दूसरे कपड़े पहन के चले जाओ, वो गाड़ी पहचान थोड़ी ना पाएगी तुम्हें। अबे हाँ ये बात। अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, शिनचैन विंचन दिमाग तो चला रहे हो भाई तुम लोग। सर आप यहीं पर रुको, मेरे को आप सर बस 2 घंटे दो, मैं 2 घंटे के अंदर उस कार को डिस्ट्रॉय करके आपके पास लेकर आता हूँ।
ठीक है उसको लेकर आओ, मैं रस्सी वस्सी का बंदोबस्त करता हूँ। जैसे ही तुम उसे लाओगे हम लोग उसे रस्सी में बांध देंगे एंड उसके रिपेयर होने का इंतजार करेंगे। जैसी वो रिपेयर होगी हम लोग पता लगाएंगे कि आखिरकार क्या गड़बड़ है उस गाड़ी के साथ एंड किस तरीके से उस गाड़ी को खत्म किया जा सकता है। ओके सर। अरे तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं यार। ठीक है तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जाता हूँ एंड उस गाड़ी को पकड़ के लाता हूँ। भैया कलुआ ऑल द बेस्ट भाई। अरे हाँ यार ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ ठीक है। कलुआ संभल के बे, वो कर्ज किलर कार तेरे को पहचान ना ले। नहीं नहीं पहचाने की नहीं भाई, मैं हुलिया बदल के जाऊंगा। लेट्स गो गाइस, फटाफट से चलते हैं भाई। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद कर्ज किलर कार को हरा सकते हैं। वैसे गाइस तुम लोगों को भी लग रहा है कि हम लोग हरा सकते हैं तो जाओ यार अभी अभी वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। यस अभी अभी जाओ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम लोग जल्द से जल्द उस कर्ज किलर कार को हरा सकें। बाकी फटाफट से चलते हैं समुद्र के किनारे एंड हमारी जो गाड़ी है उसे लेकर हम लोग निकलते हैं भाई। पहले तो हुलिया चेंज करवाते हैं अपना, क्योंकि देखो भाई मैं देखो कर्ज किलर कार को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस हुलिये में भी जा सकता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि जो लास्ट टाइम हम लोगों ने 5 करोड़ का वो पुतला बनवाया था, इतनी मेहनत की थी, वो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी एंड कर्ज किलर कार को पता लग जाएगा कि फ्रैंकलिन अभी भी जिंदा है। इसीलिए मैं अपना हुलिया बदल के जाऊँगा ताकि वो पहचान ना पाए मुझे एंड देन हम लोग उसे डिस्ट्रॉय करके यहाँ तक लेकर आ जाए। लेट्स गो। चलो चलो सबसे पहले हुलिया चेंज करवाना होगा, उसके लिए मुझे एक तो कपड़े दूसरे चाहिए एंड साथ ही साथ मुझे बाल वाल दाढ़ी वाड़ी नकली लगवानी पड़ेगी। चलो कोई नहीं ये सब काम करवाते हैं एंड साथ में मुझे वेपन्स भी चाहिए होंगे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उस कर्ज किलर कार को डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रॉय भाई मुक्के और लात से थोड़ी ना करूँगा, उसके लिए वेपन्स तो चाहिए ही होंगे, इसलिए वेपन्स का भी जुगाड़ करके लाते हैं। लेट्स गो। चलो भाई चलो चलो चलो, अरे हट जाओ यार सामने से, हट जाओ लॉस एंडोस वालों, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से मेरे को इस कर्ज किलर कार को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने दो। भाई ये कर्ज किलर कार को डिस्ट्रॉय करने की कितनी कोशिशें अभी तक हम लोग कर चुके हैं, यहाँ तक कि मिलिट्री से भी हेल्प ले चुके हैं, पुलिस वालों से भी हेल्प ले चुके हैं, इसके उर्जे पुर्जे निकाल चुके हैं भाई, इसको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं कितनी बार, पानी के अंदर ज़मीन के अंदर, नॉर्थ इंग्लैंड भी फेंक के आ गए थे लेकिन फिर भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। खैर शायद ये जो साइंटिस्ट वाला बंदा है ये थोड़ा टैलेंटेड बंदा लग रहा है यार, मे बी इससे हेल्प हो जाए। चलो लॉस सैंटोस। इधर एक बाल की दुकान है, मतलब बाल की दुकान क्या, अरे यार बार बार शॉप है, किधर है लेकिन भाई। हेलो ये क्या, हाँ यही तो है बॉब म्यूल। चलो 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 ओके, अबे लगा पड़ा ये तो किसी और के बाल काटने में। अरे सर जी फटाफट से टाइम पास नहीं। हेलो सर, और यार बाल की दुकान तो बढ़िया है इसकी, मतलब अरे यार बाल की दुकान क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसकी बार्बर की शॉप तो बढ़िया है, बल्कि खुद के बाल देखो इसके कितने बढ़िया है। कोई बात नहीं सर मेरे बाल चेंज कर दो फटाफट से एंड हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ बदल दो फटाफट, टाइम नहीं है मेरे पास, किस हेयर स्टाइल में मैं पहचान में नहीं आऊँगा इसमें, जल्दी जल्दी लगाओ सर जी जल्दी। बहुत ही बढ़िया, क्या लग रहा हूँ मैं, दाढ़ी वाड़ी भी बदल दो, ये ठीक है। वैसे इसके खुद के बाल कैसे हैं यार सीरियसली मैं। चलो ठीक है कपड़े दूसरे पहन लूँगा, मैं नहीं पहचान में आ रहा भाई। नाइस, चलो चलो फटाफट क्विकली, थैंक यू सर थैंक यू। अब हम लोग निकलते हैं भाई कपड़ों की दुकान पे, इधर कोई कपड़ों की दुकान है क्या। हेलो, इधर तो लगता नहीं है होगी, आगे चलते हैं। कपड़ों की दुकान पे पहुँच गया हूँ मैं, कपड़े भाई मैं क्या ही लग रहा हूँ इन कपड़ों में, बट ठीक है पहचान नहीं सकता कोई मुझे, लेकिन इन कपड़ों में बॉडी क्या मस्त दिख रही है मेरी, चश्मा भी ले लिया है मैंने, कान में देखो नकली पियर्सिंग भी लगा लिया है एंड शूज वूज पैंट वेंट सब डिफरेंट है एंड आई गेस नाउ आई एम रेडी। हुलिया हुलिया सब बदल दिया है, मुझे नहीं लगता कोई पहचान सकता मुझे इस हुलिये में, सीरियसली में भाई तुम लोग एक बार खुद देखो भाई ये किस एंगल से पहचान में आ रहा हूँ, किसी भी एंगल से नहीं। हाँ कोई अगर मुझे कई सालों से जानता है तब शायद पहचान ले या शायद ना भी पहचाने। खैर अब निकलते हैं कर्ज किलर कार को ढूंढने के लिए, तो कर्ज किलर कार कहाँ मिलेगी, कहीं भी मिल सकती है फिलहाल वो। ओह क्या मस्त, इधर एक सुपर कार है यार, अबे सुपर कार छोड़ो मुझे कर्ज किलर कार को डिस्ट्रॉय करना है। हाँ वेपन्स भी तो चाहिए यार, अबे क्या कर रहा हूँ मैं भाई, कभी कपड़ों की दुकान ढूंढो कभी बार्बर की शॉप ढूंढो, अब वेपन्स स्टोर ढूंढते हैं एंड जल्दी से वेपन्स ढूंढ के मतलब वेपन्स लेके एंड उसको ढूंढने के लिए चलते हैं कर्ज किलर कार को, लेट्स गो। तो कुछ लोगों से मैंने पता किया यार कर्ज किलर कार के बारे में एंड काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि उन लोगों ने ऐसी गाड़ी जैसे रेड एंड ग्रे कलर की हो इधर जाते हुए देखी है, तो फिलहाल मैं आ गया। ओ ये रही ओ भाई मैं आया और ये रही देखो तेरी ऐसी की तैसी, अब तो गई है कर्ज किलर कार। रुको यार, अबे यार एक सेकंड, कर्ज किलर कार ही है कोई और है, नहीं नहीं वही तो है,
अरे यार अब तबाही मचाते हैं। देखो मैं इसके सामने जाऊंगा तो अभी ये अटैक नहीं करेगी मेरे को, क्योंकि ये गाड़ी सीरियसली भी मेरे को पहचानती नहीं है भाई। यस ये देखो भाई, अटैक, नो अटैक ब्रो, नो अटैक। बट अब मैं करूंगा इस पे अटैक। इसे क्या लग रहा है, मैं इसे छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला मैं। फिलहाल पता नहीं कितने स्टिकी बॉम्ब या फिर ये कितने ग्रेनेड्स लगने वाले हैं, आई हैव नो आइडिया, बट मैं इसे यहाँ से ब्लास्ट करके लेके ही जाऊँगा। तो भाई हुलिया सही बदला है मैंने, ऐसे ही से अभी भी यकीन है इस कर्स क्लर कार्गो कि इसने फ्रैंकलिन को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसने फ्रैंकलिन को टपका दिया। बट इसे क्या पता, फ्रैंकलिन इज बैक ब्रो। अरे यार केक तो ये कितनी स्ट्रॉन्ग है भाई, ब्लास्ट ही नहीं होती है जल्दी। मुझे जल्द से जल्दी से ब्लास्ट करके उस साइंटिस्ट के पास लेके जाना है, ताकि वो बता सके कि आखिरकार इस गाड़ी के अंदर ऐसा क्या है, मतलब कोई आत्मा वात्मा घुसी पड़ी है, या गाड़ी के अंदर कुछ सीन है, या कोई रिमोट से कंट्रोल कर रहा है, भाई कुछ भी हो सकता है। ओके फटाफट कम ऑन, जल्दी ब्लास्ट हो जाए यार, जल्दी ब्लास्ट भी तो नहीं हो रही है ये, कम ऑन फास्ट। Let me have this, जल्दी भाई। यार मेरे RPGs ख़त्म हो गई इस गाड़ी को, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई। 10 RPG खा गई है मेरी गाड़ी, लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई। अरे पड़ जा फ़र्क, ब्लास्ट हो जा। ओ तेरी, इधर ही आ रही है। ओ नहीं भाग रही है ये, भागने तो नहीं दूंगा बेटा, भागने तो नहीं दूंगा। अबे यार एक शॉट मिस हो गया, कम ऑन ये ले। अरे यार क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा इसे बेटा, अब कहाँ भाग के जाएगी कर्स किलर कार तेरी ऐसी की तैसी। ये ले, कम ऑन भाई प्लीज, कुछ तो फ़र्क पड़ जा। मेरे पास 2 RPG के गोले बचे हैं बस, एक ये इस्तेमाल किया मैंने, दूसरी गाड़ी 1 RPG में उड़ रही है, इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई। कम ऑन, ओ यस लेट्स गो। हुई ब्लास्ट हुई भाई। वो कौन भागा? कोई भी भागा हो, फिलहाल ब्लास्ट हो गई है ये। अब जल्दी से अपनी इस गाड़ी के पीछे लोड करके एंड लेके निकलते हैं इसे दूसरी तरफ। जल्दी, कम ऑन, फटाफट। अरे यार क्या है ये लोग, अबे जाओ ना यहाँ से। कर्स किलर कार को रखते हैं यार अपनी ट्रॉली में, मतलब पिकअप ट्रक में। चलो। अबे जलती हुई गाड़ी को रख दिया मैंने, कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा शायद मेरी गाड़ी को। कम ऑन फटाफट अभी से लेकर निकलते हैं गाइस हम लोग उस आइलैंड की तरफ, जहाँ पर भाई शिनचैन पिनचैन और चॉप हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। फटाफट से उस आइलैंड की तरफ निकलते हैं एंड बोट पे रख के, तब तक तो आई गेस आग वाग बुझ जाएगी, बोट पे रख के हम लोग निकल लेंगे दूसरी तरफ। नाइस, ऐसा ही करने वाला हूँ मैं। चलो भाई चलो क्विकली हटो। अबे लेकिन हटो क्या, सामने है ही कौन? ओ अब आ गए सामने बंदे, हटो भाई। चलो नाइस, फटाफट भाई, आग ही नहीं बुझ रही इसकी, बुझ गई। चलो नाइस, जल्दी से निकलते हैं जल्दी से। भाई साहब इस कर्स किलर कार के बारे में कुछ भी बताओ किसी बंदे को, कोई भी पहचान लेता है आराम से। अब जैसे मैं अभी ढूंढ ही रहा था इस कर्स किलर कार को, मुझे लग रहा था काफ़ी टाइम लगेगा इसको ढूंढने में, लेकिन कुछ बंदों से पूछा कि भाई ऐसी कोई गाड़ी देखी है जिसके आगे ऐसे दांत से बने हों एंड ऐसी रेड ग्रे कलर की हो, रेड कलर की जिसकी हेडलाइट जल रही हो। बंदों ने सिंपली बता दिया इधर जाते हुए देखी ऐसी गाड़ी, बताओ यार। चलो आ गए, बहुत ही जल्द आ गए एंड क्विकली। चले यार कितनी स्लो लग रही है अब ये गाड़ी, 300-350 की रफ्तार में भगा रहा हूँ, बट स्टिल ऐसा फील हो रहा है कि ये गाड़ी मेरी बहुत स्लो है, क्योंकि भाई पीछे कर्स किलर कार लेके घूम रहा हूँ। कब रिपेयर होके कब हमला कर दे भाई ये गाड़ी, कोई भरोसा नहीं है। ओके जल्दी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले जाना है मुझे। ओके प्लीज़ रिपेयर मत हो जाइयो भाई, अभी इसे बोट पे लोड करना है मुझे एंड बोट पे रख के फिर उस तरफ लेके जाना है। अरे यार कितनी मेहनत है, कोई बात नहीं। चलो एक बार बस राज पता चल जाए कि आखिरकार ये गाड़ी मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्या सीन है इस गाड़ी का, क्यों ये गाड़ी ऐसी है, बस एक बार ये पता चल जाए फिर तो इस गाड़ी को हम लोग आराम से डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिलहाल ये रही बोट, जल्दी से बोट के ऊपर इस कर्स किलर कार को रखते हैं, लेट्स गो। ओके बोट के ऊपर रख दिया है, काफ़ी मुश्किल होती है इसे घुमाने में, बट जैसे तैसे मैंने बोट को घुमा ही लिया एंड हियर वी गो, लेकर आ गया भा दो घंटे से भी कम टाइम में लेकर आ गया मैं ये कर्स किलर कार। चलो वो तो सही है, मैं हुलिया बदल के गया था, वरना इतनी जल्दी ब्लास्ट थोड़ना होती, ये तो मेरे को बल्कि अटैक ही नहीं करने देती, मेरे ऊपर ही हावी हो जाती है गाड़ी। बट हुलिया बदलने की वजह से इस गाड़ी ने भाई मेरे को पहचाना ही नहीं एंड कुछ भी नहीं कर रही थी मेरे को। चलो अभी से उतारते हैं इसे, हेयर इज द कार सर। बहुत ही बढ़िया, वैसे पक्का यही है? हाँ यही आ रहा है, इसने दिन रात जिंदगी बर्बाद कर रखी, आप पूछ रहे हो यही है? बिल्कुल यही है। तो ठीक है अभी रस्सी लाता हूँ एंड बांध देते हैं इसे। सर आर यू श्योर, इससे ये चार रस्सियाँ जो आपने चारों तरफ बांध दी है
इन रस्सियों की वजह से ये गाड़ी यहाँ से भाग नहीं पाएगी। पक्का नहीं भागेगी। तो ठीक है, आप गाड़ी लेकर आ गए, आप जो करना था आप करो और पता लगाओ क्या सीन है इस गाड़ी का। अरे पहले इसको रिपेयर तो होने दो यार। अच्छा ठीक है ठीक है, पहले ये रिपेयर होगी तब उसके बाद आप पता लगाओगे। बिल्कुल। ओके, हो ही जाएगी थोड़ी ही देर में रिपेयर। ये वेट करते हैं गाइस, अब इसके रिपेयर होने का पता नहीं कब होगी ये। एंड हियर वी गो, हो गई सर रिपेयर, हो गई। इसी चीज का तो इंतजार था, फटाफट से पता लगाने की कोशिश करता हूँ मैं। सर थोड़ा बच के, थोड़ा आराम से। हाँ मेरी टेंशन मत करो तुम। अरे लेकिन फिर भी यार थोड़ा बच के, बहुत ही खतरनाक गाड़ी है ये, पता नहीं आज तक कितने लोगों को टपका चुकी है ये। अरे मैंने कहा ना मुझे सब कुछ पता है, टेंशन मत लो। सर क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर दिया उस गाड़ी का हाल। अरे चुप हो जाओ, मैंने सिर्फ बोनट डिक्की एंड गाड़ी के दरवाजे ही ओपन किए हैं, अब चुप हो जाओ दो मिनट। सर फिर भी क्या आप चेक क्या कर रहे हो इधर उधर घूम के। मैं देख रहा हूँ गाड़ी के अंदर कोई आत्मा वात्मा वाला सीन तो नहीं है। अच्छा ये भी आपको पता चल जाता है। अरे मैंने कहा तो सही, मुझे गाड़ियों के बारे में सब कुछ पता है। अच्छा तो फिर क्या सीन है, रिमोट कंट्रोल वाला भी कोई सीन लग तो नहीं रहा। अच्छा, अरे यार ये कर्स्ड किलर कार से बंदा तो डर ही नहीं रहा है, कैसा खतरनाक ही बंदा है ये भी। जरा अंदर बैठ के देखने तो हुआ क्या है। सर प्लीज थोड़ा संभल के सर, बहुत खतरनाक है ये। अरे मेरी टेंशन मत लो तुम। हाँ रिमोट कंट्रोल का भी सीन नहीं है और कोई सोल वोल आत्मा वात्मा का भी सीन नहीं है। तो सीन क्या है पता करता हूँ मैं, रुको। ओके 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 ठीक है, समझ गया मैं सब कुछ समझ गया। क्या समझ गया सर, हमें भी बताओ जरा। समझ गया मैं आखिरकार सीन क्या है इस गाड़ी के संग। क्या सीन है सर। ये गाड़ी के अंदर कुछ मेल फंक्शनिंग हो गई है। व्हाट मेल फंक्शनिंग, कुछ समझा नहीं मैं। मैं समझाता हूँ, एक सेकंड सर। पीछे क्या पीछे, सारे दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। अच्छा, और सर इसकी हेडलाइट भी जल गई और ये गाड़ी भी निकल गई सर। सर ये गाड़ी कुछ नहीं करेगी, वो गाड़ी जाने दो उसको। अरे सर वो भाग रही है। भागने दो, कोई बात नहीं। अरे सर लेकिन बड़ी मुश्किल से लेकर आया था। कोई बात नहीं, हमारा काम हो गया, उस गाड़ी को यहाँ से जाने दो। अरे लेकिन सर फिर भी इतनी मुश्किल से वो गाड़ी आई थी, हम लोग उसे डिस्ट्रॉय कर सकते थे। अरे पहले मेरी बात सुनो। अरे यार इतनी मुश्किल से वो गाड़ी आई थी, वो तो भाग गई भाई गाड़ी पूरी की पूरी। अरे गाड़ी को छोड़ो और मेरी बात सुनो यार। क्या बात सुनो सर, क्या बात सुनो। अच्छा खासा उस गाड़ी को पकड़ के लाया था, भाग गई वो गाड़ी। उस गाड़ी को छोड़ो और बात सुनो, गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है एंड ये गाड़ी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। यस सर बोलो। इस गाड़ी के अंदर एक टाइप की मेल फंक्शनिंग हो गई है एंड एक तरीके का वायरस एंटर कर गया है। क्या 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 बता रहे हो सर। तुमने कंप्यूटर वायरस के बारे में सुना है। हाँ सुना है, बिल्कुल सुना है, जिससे कंप्यूटर पूरा एकदम अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है एंड खराब सा हो जाता है। वायरस बहुत तरीके के होते हैं एंड कुछ अलग ही टाइप का वायरस एंटर कर गया इस गाड़ी के अंदर, जिसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर एक ब्रेन आ गया है एंड मेल फंक्शनिंग के कारण उस ब्रेन ने तुम्हें अपना एनिमी समझ लिया है। क्या क्या बोल के निकल गए सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ सर के ऊपर से चला गया मेरे। देखो मैं तुम्हें क्लियरली समझाता हूँ, ये गाड़ी एक प्रॉपर ह्यूमन की तरह बिहेव करने लग गई है, तुम समझ लो एक रोबोटिक कार बन गई है ये। ओ रोबोट। यस, एक रोबोटिक टाइप की गाड़ी बन गई है ये एंड जिसके अंदर मेल फंक्शनिंग हो गई थी एंड जो इसका ओनर होगा उसको पता हो गया होगा कि ये गाड़ी पूरी खराब हो गई है एंड मेल फंक्शनिंग हो गई है, तो वो जंगल में पहाड़ों की तरफ फेंक कर आ गया। अच्छा ठीक है, एंड तुम उसी वक्त टहल रहे होगे रात को एंड तुम्हारी नजर गई इस गाड़ी पे एंड तुमने इस गाड़ी को उठा लिया। अच्छा, अब तुमने क्योंकि इस गाड़ी को कंट्रोल किया, इस कार को ये लगने लग गया कि तुम उसके एनिमी हो। अच्छा तो इस गाड़ी ने मुझे ही अपना दुश्मन मान लिया। यस, एंड तब से ये गाड़ी तुम्हें मारने के पीछे पड़ी हुई थी, इसीलिए ये गाड़ी को तुम कहीं भी छोड़ के आए हो ये गाड़ी खुद ही रिपेयर हो जाती है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया एक रोबोटिक कार बन चुकी है ये। अच्छा, इसलिए ब्लास्ट भी करता हो तो ये खुद को ही रिपेयर कर लेती है। यस। ओ भाई साहब, एंड जब तक ये गाड़ी तुम्हें मार नहीं लेती तब तक इस गाड़ी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। एंड जैसे कि तुमने लास्ट अभी कहा कि तुमने लास्ट टाइम खुद को इसके सामने मरा हुआ घोषित कर दिया। यस सर, इसके सामने मैंने प्रूफ कर दिया कि मैं मर गया एंड अब इस गाड़ी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन कैसे, अभी तो डिस्ट्रॉय करके लाया, रिपेयर हो गई है। इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता इसे। तो फिर किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे इस गाड़ी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी तुम्हें एक गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। क्या
वेट व्हाट? अब कुछ ज्यादा ही सर में दर्द हो रहा है मेरे सर। क्लियरली बताओ मेरे को, आप कंफ्यूज कर रहे हो बहुत बुरी तरीके से। तो इस गाड़ी को हराने के लिए तुम्हें एक ऐसी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर कोई भी ड्राइवर ना हो, एंड जब उस गाड़ी से तुम इस गाड़ी को डिस्ट्रॉय करोगे तब ये गाड़ी दोबारा रिपेयर नहीं हो पाएगी। ओके, यू मीन टू से मुझे भी एक ऐसी गाड़ी लानी पड़ेगी जो बिना ड्राइवर के चले? यस। अब मैं ये ऐसी गाड़ी कहाँ से लाऊंगा? रिमोट कंट्रोल्ड। ओ यस, रिमोट कंट्रोल्ड कार मैं ला सकता हूँ, वो बिना ड्राइवर के चलेगी। यस, ऑब्वियस ही बात है। एंड उस गाड़ी से मैं इस गाड़ी के ऊपर हमला करूंगा, एंड जब उस हमले में ये गाड़ी डिस्ट्रॉय होगी तब ये गाड़ी कभी भी रिपेयर नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही। और भाई ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन लंबा क्या प्रोसेस है, बस एक गाड़ी ही तो चाहिए फिर खत्म। अरे सर थैंक यू यार। अरे वाह यार, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। इतने दिनों से मैं सोच रहा था कोई भूत भूत घुसा हुआ है उस गाड़ी के अंदर, या फिर कोई रिमोट कंट्रोल से उस गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है यार, कोई भूत भूत नहीं है, कोई गाड़ी को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये गाड़ी एक तरीके से मेल फंक्शनिंग की वजह से इस गाड़ी के अंदर ब्रेन सा आ गया, एंड ये गाड़ी एक रोबोटिक टाइप की गाड़ी बन गई है, एंड जिस वजह से ये गाड़ी मेरे को अपना एनिमी समझ रही है, एंड जब तक ये मेरे को मार नहीं लेती तब तक शांति बैठने वाली है ये। फिलहाल देखो लास्ट टाइम इसको लग गया था कि इसने मेरे को टपका दिया, एंड तब से देखो ये शांत बैठी हुई है, बट फिर भी इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ये तबाही मचाने लग सकती है, इसलिए इसको पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एंड पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें एक ऐसी ही गाड़ी लानी पड़ेगी जो बिना ड्राइवर के चले, एंड उस गाड़ी से हमें इस गाड़ी की फाइट करवानी पड़ेगी, एंड जब हम लोग इस फाइट में हरा देंगे इस गाड़ी को तब ये गाड़ी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओ भाई साहब, ये सीन है सारा का सारा, अब समझ में आया सारी प्रॉब्लम। थैंक यू सर, आप तो कमाल के बंदे हो भाई, सच सीरियसली में सर आपके जैसे मैंने कमाल का बंदा नहीं देखा सर, बहुत ही तबाही बंदे हो आप। इधर क्यों रहते हो आप, लॉस सैंटोस में जाके रहो, बहुत सारी गाड़ियों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप। मुझे मत सिखाओ मुझे कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं। अच्छा सॉरी सर, सॉरी। अब आप ये बताओ मेरे को, मैं ये गाड़ी का जुगाड़ कहाँ से करूँ? अब ये मुझे क्या पता, तुम खुद देखो। ठीक है, मैं देखता हूँ सर। लेट्स गो गाइस, फाइनली हम लोगों को सही रास्ता पता चल चुका है, जिस तरीके से फाइनली अब कर्स्ट किलर कार को हम लोग हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमेशा के लिए तबाह कर सकते हैं, हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से ख़त्म कर सकते हैं। फाइनली हमें वो तरीका मिल गया है, पता चल गया है भाई। होए आ जाओ शिनचैन पिनचैन चौप, आ जाओ भाई। ओहो मज़ा ही आ गया यार। आ जाओ ना भैया, जल्दी से बैठो ना भाई, सब बैठ गए भाई, रेडी? अरे चलो चलो यार रेडी। फाइनली काफी अच्छा लग रहा है यार, इस कर्स्ड किलर कार का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज होने वाला है। सर वैसे आप अपना ध्यान रखना, क्या पता वो कर्स्ड किलर कार आपके ऊपर अटैक करने के लिए आए दोबारा। अरे यार मेरी टेंशन मत लो, वो मेरे ऊपर अटैक करने आई तो मैं देख लूंगा, क्योंकि सर आपके सामने ही, मतलब जब वो रिपेयर हुई थी आप ही थे जो उसको पूरा मतलब रस्सी वस्सी से बांध चुके थे ये वो, तो मैं भी नया एनिमी आप बन चुके हो उसके, इसलिए अपना ध्यान रखना। अरे टेंशन मतलब मेरी, फिलहाल उससे पहले तो यार मैं नया एनिमी बन गया हूँगा, क्योंकि मैं ही तो उसे डिस्ट्रॉय करके लाया था। पता नहीं उसने अपना नया एनिमी मुझे बनाया है या फिर नहीं बनाया है। अरे बोट क्यों नहीं चल रही? अबे जमीन पे थोड़ी ना बोट चलती है, मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ। अपनी उस गाड़ी की तरफ चलते हैं, आ जाओ दोस्तों चलते हैं उस गाड़ी की तरफ, एंड खुशियां मनाओ भाई, खुशियां मनाओ। फाइनली हमें तरीका पता चल चुका है जिस तरीके से हम लोग इस कर्स्ड किलर कार को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भाई इतने दिनों से तो आइडिया नहीं मिल रहा था, बल्कि आइडिया तो मिल ही रहे थे लेकिन जितने भी आइडिया यूज कर रहे थे सारे फ्लॉप हो रहे थे भाई। या तो कभी कर्स्ड किलर कार खुद ही रिपेयर हो जाती थी, या तो फिर वो कहीं और अटैक करके भाग जाती थी, जैसे मिलिट्री बेस में हमने ट्रैप किया था वहां से अटैक करके भाग गई, तो हर बार उसने तबाही मचाई। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि हम लोग भाई उस कर्स्ड किलर कार को हरा सकते हैं। यस जरूर हराएंगे भाई, बैठ गए भाई। अरे चलो चलो यार चलो। भाई साहब कलुआ क्या लगता है यार, ऐसी ऐसी गाड़ी कहाँ से लाएगा तू? तू रिमोट कंट्रोल वाली जिसमें कोई बैठा ना हो एंड उसे कंट्रोल करके तुझे फिर उसको भी हराना है। तो हाँ यार ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, सिर्फ रिमोट कंट्रोल वाली कोई सस्ती सी गाड़ी थोड़ना चाहिए, हमें रिमोट कंट्रोल वाली पावरफुल गाड़ी चाहिए जिसके आगे मतलब कुछ वेपन्स वगैरह या फिर कुछ खतरनाक गाड़ी हो जो कि कर्स्ड किलर कार को डिस्ट्रॉय कर सके। हमें गाड़ी का इस्तेमाल करके ही कर्स्ड किलर कार को डिस्ट्रॉय करना,
करना है। देखो अब तुम लोग सोच रहे हो भाई गाड़ी का इस्तेमाल करके तो हम लोग ऑलरेडी कई बार कार को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, बट उसके अंदर मैं बैठा हुआ था भाई हर बार। लेकिन इस बार हमें रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी, मतलब बड़ी सी कोई गाड़ी होगी जो रिमोट से चलती होगी, उसे ऑपरेट करके रिमोट से, एंड देन कर्स किलर कार को अगर हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं देन फिर ये हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिलहाल मुझे लग रहा है लेस्टर के पास जाना ठीक रहेगा, वो जानता होगा यार किसी ना किसी को जैसी कोई गाड़ी बना सकता है जो रिमोट से चले, जो कि काफ़ी खतरनाक गाड़ी हो, जो कि दूसरे गाड़ियों को ब्लास्ट कर सके। हाँ ऐसी गाड़ी के बारे में डेफिनेटली लेस्टर बता सकता है। चलो भाई लेस्टर के यहाँ वापस से चलते हैं। लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो। लेस्टर भाई साहब के घर पहुँचने वाले हैं। यही है गली, वो तो रही इसकी ऑडी, चमक तो रही है लेस्टर की। क्या ब्यूटीफुल ऑडी है यार, क्या बेहतरीन ऑडी है, मन कर रहा है इसी की गाड़ी उठा के लेके चला जाऊं मैं। लेस्टर भाई, लेस्टर भाई, अबे तू अपने दोस्त से अभी तक बातें करने में लगा पड़ा है। सॉरी सर, दो मिनट साइड हटना। लेस्टर भाई यार, तू किसी बंदे को जानता है जो ऐसी खतरनाक सी गाड़ियां बना सकते जो रिमोट कंट्रोल चले? भाई साहब आप कौन हो? हैं? अबे मैं हूँ फ्रैंकलिन। अरे पहचान में ही नहीं आया यार तुम तो। अच्छा हाँ पता है मेरे को वो। तू बता सकता है कोई ऐसी गाड़ी? ऐसा हुलिया क्यों बना रखा है? अबे हुलिया छोड़ यार, तू पहले ये बता तू बना सकता है या फिर किसी को जानता है जो ऐसी गाड़ी बना दे जो रिमोट कंट्रोल चले? हाँ मेरा एक दोस्त है जो छोटी मोटी रिमोट कंट्रोल कार बनाता है, बढ़िया बनाता है। अबे छोटी मोटी नहीं, बड़ी सी गाड़ी चाहिए जो रिमोट से चले एंड जो गाड़ी खतरनाक हो। पता नहीं यार, मैं तो नहीं जानता किसी को। अरे यार अब किससे पूछे? अरे साइमन से पूछते हैं ना। अरे हाँ, अबे ले भाई सबसे बड़ा गाड़ियों का जानकार तो अपना दोस्त बैठा ही है साइमन, ले उसके बारे में तो मैं भूल ही गया। अरे वही तो, साइमन के पास चलते हैं, उसे पता जरूर होगा। याद कर लो यार, साइमन को भूल गया तू? बे यार जब जरूरत पड़ती है अच्छे अच्छे बंदे याद नहीं आते हैं। चलो भाई साइमन के यहाँ चलते हैं शोरूम उसके, एंड डेफिनेटली साइमन को जरूर पता होगा किसी ना किसी ऐसे बंदे के बारे में जो अल्टीमेट अल्टीमेट गाड़ियां बनाता हो जो रिमोट से चलती हो। चलो चलते हैं साइमन के यहाँ। ओके पहुंचने वाले हैं साइमन के शोरूम। साइमन ब्रदर, ये रहा साइमन ब्रदर। साइमन भाई कैसे हालचाल? अबे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। हेलो भाई साहब, आपको गाड़ी खरीदनी है? हाँ गाड़ी खरीदनी है मुझे। भाई साहब कैसी, क्या रेंज क्या है आपकी? अबे भाई साहब क्या कर रहा है? तो क्या बोलूं सर आपको? अबे फ्रैंकलिन हूँ मैं। अबे यार एक तो ये हुलिया बदलने की वजह से पहचान में नहीं आ रहा मैं फ्रैंकलिन। अरे दाढ़ी रख ली यार तुमने। वो छोड़, तू ये बता तू किसी ऐसे बंदे को जानता है जो ऐसी गाड़ियां वाड़ियां बनाता हो जो कि दूसरी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर सके एंड मेरी गाड़ी रिमोट कंट्रोल चले? बिल्कुल जानता हूँ, अरीना वॉर में बनती है ऐसी गाड़ियां। अरे वाह, तू जानता है जो मेरे लिए ऐसी गाड़ी बना सके? बना तो देगा, खर्चा आएगा। खर्चे की टेंशन मत कर, तू मेरे को फटाफट से उस बंदे के बारे में बता। चलो गाइस उस बंदे का भी जुगाड़ हो गया, अब फटाफट से साइमन से सारी इन्फॉर्मेशन लेके निकलते हैं, उस बंदे तक पहुंचते हैं एंड देन उस बंदे से बनवाएंगे कोई खतरनाक गाड़ी जो रिमोट से चले एंड उस गाड़ी से डिस्ट्रॉय करेंगे हम लोग कर्स किलर कार को, एंड इस तरीके से हो जाएगा कर्स किलर कार का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। बाकी तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन प्रेस करके याद से ऑन कर देना, एंड मिलता हूं मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय। एंड अगर तुम लोगों ने पूरी की पूरी कर्स किलर कार की सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो भाई। यस अभी अभी जाओ यहाँ पर क्लिक करो, तुम लोग पूरी सीरीज देख सकते हो फर्स्ट एपिसोड से इस एपिसोड तक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।